हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, सबसे पहले सॉरी क्योंकि 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था, बहुत सारी चीजें चल रही है इस वजह से। तो गाइस, अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी एक सरप्राइज है जो कि पार्सल वाले भैया आए हैं, वो अभी हमको कॉल किए थे, तो चलिए अभी जाते हैं, सबसे पहले पार्सल लेकर के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भैया अभी वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं अपने घर से निकल गया हूँ और मेरा घर से थोड़ा सा ही दूर में एक आंगनबाड़ी है, वहीं पे हमको जाके वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो घर है ये थोड़ा सा अंदर में है, गांव के लास्ट में, तो इस वजह से भैया लोग को मालूम नहीं है उतना। तो अभी मैं जाता हूं और वहां पे मैं वेट कर लेता हूं। और ये है रोड जहां से कि भैया अभी आने वाले हैं, तो मैं यहीं पे वेट कर रहा हूं। लेकिन भैया तो बोले थे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, तो भैया हमसे झूठ बोल दिया है। बट कोई नहीं, चलो वेट कर लेते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे फाइनली भैया आ गए हैं 5 मिनट वेट करने के बाद, तो चलो अभी जाते हैं और पार्सल लेकर के आते हैं। गाइस अभी फाइनली ये मेरे हाथ में पार्सल आ गया है और मैं खोलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूँ इसके अंदर में क्या है देखने के लिए। तो चलिए मैं घर जाऊंगा और उसके बाद खोलेंगे और आपको भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे इसके अंदर में जो चीज है वो किसके लिए लिए है। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी आपने देखा कि उसके अंदर में एक घड़ी है, तो ये घड़ी मैंने लिया है मस्जिद के लिए क्योंकि मस्जिद में बहुत सारे बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो अंधेरे के टाइम में वो सबको अच्छा से टाइम नहीं दिख पाता है, जिस वजह से वो लोग पूछते रहते हैं कितना टाइम हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस रमजान के महीने में चलो मस्जिद में एक घड़ी दे देते, तो इसीलिए मैंने ये घड़ी ऑर्डर किया है और ये वाला घड़ी जो है मस्जिद में हम देने वाले हैं। तो अभी मस्जिद जाएंगे और वहां जाकर के इसे लगाने भी वाले हैं। तो अभी नहीं, अभी मुझे जाना पड़ेगा महागामा, मेरी सिस्टर का एग्जाम है तो एग्जाम दिलाना है, उसके बाद शाम में आएंगे, उसके बाद उसे लगा देंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसे जिस तरह से था उसी तरह से पैक कर देते हैं और अभी रख देते हैं। तो मम्मी लोग से पूछे तो बहुत अच्छा घड़ी है, तो सब कोई खुश है और बहन लोग को भी घड़ी पसंद आ गया है। तो चलो अभी इसे पैक करके रख देते हैं जिस तरह से है उसी तरह से। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं एग्जाम सेंटर पे और अभी एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा है, आपको टाइम दिखा देते हैं और एग्जाम भी अभी स्टार्ट हो गया होगा। तो गाइस टाइम हो गया है 2:04 और अभी से लेकर के एग्जाम है 5 बजे तक, और अभी कार में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और बाहर में भी उतना जगह नहीं है जहाँ पे छाया है जो कि वहाँ पे जाके रेस्ट किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं दूसरे जगह जा करके वहाँ पे जाके तब तक गाड़ी लगाते हैं और वहीं पे आराम करते हैं। और इधर मैं स्कूल, आपको स्कूल भी दिखा देते हैं, और अभी मैं यहाँ से जाता हूँ दूसरे जगह और वहीं पे जाके रेस्ट करते हैं और टाइम होगा तो फिर यहाँ आएंगे रिसीव करने के लिए। तो चलो फिर आपको दिखाते हैं स्कूल। अभी मैं पार्किंग सर्च करते हुए पहुंच गया हूं अपना सबसे फर्स्ट स्कूल जहाँ की मैं पहले पढ़ा करता था। मेरे पीछे में यहाँ पे है बेथल मिशन स्कूल जो कि मेरा सबसे फर्स्ट स्कूल है, यहीं पे पढ़े हैं सबसे पहले, और ऐसे याद आ गया तो अभी इधर आ गए हैं। तो चलिए आपको स्कूल भी दिखाते हैं, और ये इधर रहा ऊर्जा नगर का पूरा कॉलोनी सब, तो आपको एक बार कॉलोनी भी दिखाते हैं और स्कूल भी दिखाते हैं, फिर यहाँ से अभी जाएंगे। गाइस यही रहा स्कूल, बहुत ही छोटा जैसा ही है लेकिन बहुत ही प्यारा है, तो बचपन में यहीं पे पढ़ा करते थे, बहुत ज्यादा मजा आता था। यहाँ पे आया तो अभी पूरा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सोच सोच के कि कैसे हम लोग यहाँ पे मस्ती क्या करते थे, साथ में पढ़ा करते थे। और ये जो सामने में ये छोटा जैसा ऑफिस है और इधर में है कैश काउंटर, और यहाँ पे हॉस्टल भी है, तो मैं तो आज तक हॉस्टल में नहीं रहा था यहाँ पे, लेकिन मेरे फ्रेंड लोग सभी हॉस्टल में रहा करते थे। और इधर में है पूरा कॉलोनी सब ऊर्जा नगर का। एक समय था जबकि पूरा ऊर्जा नगर ऐसा लगता था कि सब जगह देख लिए हैं और अभी भी सब जगह देखा हुआ ही है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब ऊर्जा नगर में रहते थे तो। लेकिन अभी तो खैर दूसरे जगह रहते हैं तो यहाँ उतना आना जाना नहीं होता है। तो चलो मैं अभी कहीं पे ठंडा जगह देखता हूँ और वहाँ पे अपना कार पार्क करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, तब तक उधर एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से तब जाएंगे और अपना बहन को बैठाएंगे, फिर घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अभी मुझे यहाँ पे एक गांव दिखा है जहाँ की मैंने अपना अभी कार पार्क कर दिया है। तो ये देखिए, ये मैंने अपना कार गांव में इधर पार्किंग में लगा दिया है,
इधर, और अभी टाइम होने का वेट करते हैं। जब तक 5 नहीं बजेगा तो वहाँ एग्जाम खत्म नहीं होगा, तो अभी 5 बजने देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने रूम में महागामा से एग्जाम दिलाने के बाद। और गाइस आज रोजा थे तो बहुत ज्यादा रोजा भी लग गया था, धूप बहुत ज्यादा था, आप चेहरे से देख सकते हो कि कितना सूख गए एक ही दिन में। तो गाइस अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, मैंने इफ्तारी भी कर लिया है और आज है मेरे गाँव के मस्जिद में खत्म तरावी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गाँव में किस तरह से तरावी होता है, और जलेबी भी मिलने वाला है तो जलेबी भी जाएंगे खाएंगे तो मजा आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं गाइस, अभी चलिए माजा पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जाएंगे मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस अभी पूरा तरावी मुकम्मल हो गया है, और इधर देखिए इतना सारा जलेबी मिला है, जो कि मैंने बताया था वीडियो में कि बहुत सारा आज जलेबी मिलने वाला है, तो बहुत सारा जलेबी भी मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तरावी भी मुकम्मल हो गया है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।